राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक गरीब विधवा लड़की की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। पारो पारो एक 6 बरस की छोटी सी लड़की थी जो दिन भर गुड्डे गुड़िया से खेलती थी। वह सारे दिन तो गुड़िया बनाती और रात में गुड्डे गुड़िया का विवाह कराती। पारो एक बिना माँ की बच्ची थी। पूरे दिन गुड़ियों के साथ खेलने में ही उसका दिन बीत जाता था। वह कभी भी स्कूल नहीं गई। आज सुबह के 8 बज गए थे मगर पारो अभी भी बेसुध होकर सो रही थी, क्योंकि रात उसने अपने गुड्डे गुड़िया की शादी जो की थी। सूरज सर पर चढ़ाया तो नथिया ने चारपाई पर पड़े पड़े ही पारो को आवाज दी, पारो ओ पारो उठ जा बेटी, दिन निकल आया। मगर पारो ने जम्भाई लेकर इधर से उधर चारपाई पर ही एक पलटा लगाया और फिर से सो गई। नथिया जैसे ही चारपाई से नीचे उतरी और लकड़ी के सहारे से चूल्हे के पास बैठकर आग लगाने लगी। 2 घूंट गर्म पानी करके पिया और खांस का ढेर सारा मलगम निकालकर रेत में दबा दिया। नथिया ने लगभग हांफते हुए चूल्हे पर रोटी बनाई और 4 रोटी कपड़े में लपेटकर पारो के पास आकर उसे जगाने लगी। उठ पारो, तेरा बाप आधी रात का हल लेकर ठाकुर के खेत पर गया है, उसे बेटी कलेव दे आ। पारो फिर जमाई लेकर चारपाई पर इधर से उधर पलटी लगाई और कहने लगी, अम्मा मुझे नींद आ रही है, अभी सोने दे। तो नथिया कहने लगी, बेटी मेरी सांस फूल रही है, एक कदम भी पैदल नहीं चला जा रहा, नहीं तो मैं दे आती। तेरी माँ जिंदा होती तो वह दे आती, अब तू ही है, जा भीष्मा के लिए खेत पर कलेव दिया, और मैं किससे कहूंगी नहीं तो। पारो की आंख नहीं खुली तो नथिया ने उसे पकड़कर झकझोर दिया और गर्दन के नीचे हाथ लगाकर उसे जगाने लगी। पारो आंखें टिमटिमाती हुई बैठ गई तो नथिया ने पारो को कपड़े में लिपटी हुई रोटियां थमा दी। पारो पानी से जो कुल्ला करके खड़ी हो गई, सर पर रखकर अलसाई सी खेत की तरफ चल दी। पारो भीष्मा को कलेव देकर वापस आ गई और एक रोटी खाकर अपनी सहेलियों के साथ गुड़ियों से खेलने लगी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। भीष्मा ठाकुर के खेतों में मजदूरी करता था। नथिया सुबह शाम जैसे तैसे चूल्हे पर रोटियां बना देती, कभी उसकी अधिक सांस फूलती तो पारो से मदद ले लेती। उम्र के हिसाब से नथिया का शरीर जवाब देने लगा था, ऊपर से दमे की बीमारी ने उसे कमजोर कर दिया था। पारो भी अब 8 बरस की हो चली थी। पैदा होते ही माँ का स्वर्गवास हो गया। नथिया ने जैसे तैसे उसे पाल ही लिया था। बिन माँ की बच्ची थी, नहाने धोने और खाने का कोई समय नहीं था। गुड़िया से खेलने का शौक था इसलिए अधिकतर समय सखियों के साथ ही बीतता था। बुरा समय कभी कहकर नहीं आता। आज ठाकुर के मकान की 2री मंजिल की छत बन रही थी। भीष्मा ठाकुर के खेत पर नहीं, आज छत पर काम कर रहा था। छत पर पत्थर खींचते समय दीवार से भीष्मा का पैर फिसल गया और भीष्मा पत्थर के साथ छत से नीचे आ गिरा। ऊपर से पत्थर भी भीष्मा के सर पर गिरा। भारी पत्थर ने भीष्मा का सर कुचल दिया। सर से खून का गुब्बारा फूट पड़ा, चारों तरफ खून ही खून फैल गया। भीष्मा की चीख भी नहीं निकल सकी। जब तक कोई कुछ समझ पाता, भीष्मा का शरीर 2 मिनट फड़फड़ाकर शांत हो गया। भीष्मा की मौत की खबर नथिया के कानों तक भी पहुंच गई। हृदय पर तो जैसे उसका वज्रपात हो गया था, कानों में जैसे किसी ने पिघलता हुआ सीसा डाल दिया हो। 2 जून की रोटी का सहारा टूट गया। आगे की जिंदगी अमावस की रात की तरह दिखाई देने लगी। उम्र और बीमारी से जर्जर शरीर, ऊपर से भीष्मा की नादान बेटी पारो का भार, क्या किस्मत लिखी थी विधाता ने। ठाकुर राम सिंह ने गांव व समाज के सहयोग से
भीष्मा का अंतिम संस्कार कर दिया। पेट की भूख शांत करने के लिए नथिया और पारो को संघर्ष करना पड़ा था। नथिया का शरीर कमजोर था और दमे की मरीज थी और पारो गुड़ियों के अतिरिक्त कुछ और जानती नहीं थी, मगर पेट की आग सब कुछ सिखा देती है। नथिया ने पारो को साथ लेकर मजदूरी करना शुरू कर दिया। दमे की बीमारी के कारण नथिया का शरीर साथ नहीं देता था तो वह पेड़ की छाया में बैठ जाती और फिर से हिम्मत बांधकर पारो को साथ दोबारा से वह पारो के साथ काम करने की कोशिश करती। 8 साल की पारो भी अभी बच्ची थी, काम की अपेक्षा गुड़ियों में अधिक मन लगता था। अधिक मजबूरी की मार ने उसे समय से पहले परिपक्व कर दिया था। वह समय की नजाकत को पहचानने लगी थी और अपनी उम्र से अधिक काम भी करने लगी थी। ठाकुर के खेतों में गेहूं की कटाई का काम चल रहा था। ठाकुर गुस्से में कह रहा था, नथिया अगर तेरी लड़की गेहूं नहीं काट रही है तो मैं किसी और को दे दूं। नथिया खांसते हुए ठाकुर के सामने हाथ जोड़कर बोली, ठाकुर साहब दया करो, पारो 1-2 दिन में ही आपके गेहूं काट देगी। बहुत मेहनत करती है बेचारी, मगर अभी बच्ची है, कम वक्त की उम्र ही क्या है। 8 बरस पैदा होते ही माँ छोड़कर चली गई और अब बाप का भी साया सिर से उठ गया। अभी तो उसकी खेलने कूदने की उम्र है, पर मजबूरी सब कुछ करा देती है। पेट की आग तो बुझानी ही है। मैं रही बूढ़ी, मेरा क्या भरोसा कब भगवान अपने पास बुला ले। कगारे का वृक्ष हूँ, मरघट में पैर पसारे बैठी हूँ, मेरे बाद इस बेचारी बच्ची का क्या होगा, यही चिंता मुझे खाए जा रही है। ठाकुर साहब कहने लगे, नथिया तेरी हालत पर तरस खाकर ही तुझे गेहूं काटने का काम दिया था। मात्र 3 बीघा गेहूं है, 5 दिन में आधे ही कट पाए हैं। ऐसे ही काम होगा तो 5 दिन और लग जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि कोई अच्छा सा लड़का देखकर पारो के हाथ पीले कर दे, तेरे सर से वजन हट जाएगा। तब नथिया ने कहा, कहां से कर दूं ठाकुर साहब इसके पीले हाथ, मेरे पास क्या है जो इसके हाथ पीले कर दूं। शरीर भी साथ नहीं देता, पैदल चला नहीं जाता, ऊपर से दमे की बीमारी है। बेचारी पारो ही मजदूरी करके लाती है तो हम दादी पोती को रोटी मिल पाती है। शायद भगवान ने ही इसके भाग्य में धक्के लिखे हैं। कैसा नसीब लेकर पैदा हुई है बेचारी। दोपहर हो गया, आपका खेत ही काट रही होगी, रोटी बनाने आएगी तो कह दूंगी थोड़ी जल्दी काम करे। ठाकुर साहब कहने लगे, ठीक है नथिया, तेरी हालत पर तरस आता है, काम हो जाए तो 10 सेर गेहूं मजदूरी से अधिक दे दूंगा। और हाँ, पारो से कह देना थोड़ा जल्दी हाथ चलाए, तू पारो का विवाह कर दे तो तेरी मैं उसमें भी मदद कर दूंगा, पर काम जल्दी करे। इतना कहकर ठाकुर वहां से चले गए। नथिया सोचने लगी, मेरी फूल सी बच्ची दोपहरी में गेहूं काट रही होगी, उसका बाप अगर जिंदा होता तो क्यों उसे काम करने देता। मेरे हाथ पैर ही चल रहे होते तो मैं भी उसकी कुछ मदद करती, मैं तो उस पर बोझ बनी हुई हूँ, वही मुझे पाल रही है। भूखी प्यासी जंगल में लग रही होगी, मेरे शरीर में तो इतना भी दम नहीं कि मैं उसे रोटी तो क्या पानी भी दे आऊं। तभी पारो आ गई, सिर पर फटी सी चुनरी लपेटकर चेहरा धूल व धूप से काला पड़ गया था, होठ सूख रहे थे, शरीर कुमला गया था, कपड़े भी धूल से गंदे और जगह जगह से फटे हुए थे। गेहूं काटने की दराती एक तरफ फेंक कर वह घड़े से पानी लेते हुए बोली, अम्मा खेत पर बहुत गर्मी है, प्यास से बुरा हाल हो गया। पानी लेकर नहीं गई थी क्या, नथिया ने कहा। ले गई थी अम्मा, पर मलरा खाली हो गया। पारो ने हाथ मुंह धोकर पानी पिया, फिर लकड़ी लेकर चूल्हे में आग जलाने लगी। तो नथिया ने पूछा, कितना खेत और रह गया है। तो पारो कहने लगी, अम्मा अभी तो 2 बाट का कटा है, 1 बीघा और रह गया है। तो नथिया कहने लगी,
थोड़ी जल्दी कर बेटी, ठाकुर साहब आए थे। तो वह कहने लगी, क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि उससे नहीं काटा जा रहा है तो किसी और को दे दूं। पारो कहने लगी, नहीं अम्मा, दो दिन में काम खत्म कर दूंगी। आटा गूंद रही थी पारो और अपनी दादी से बातें कर रही थी। ठीक है, थोड़ा सा शाम को काट ही हो, तो उसकी दादी ने कहा। तो वह कहने लगी, पारो अम्मा, अब तो गर्मी से बहुत परेशान हूँ, सुबह जल्दी चली जाऊंगी। नथिया ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। और नथिया ने जो अपनी चारपाई पर हाँफते हुए बैठ गई और एक गर्म पानी की घूंट पानी पिया। पारो ने बीच में रोटी रोक कर पहले अपनी दादी के लिए गर्म पानी किया, फिर रोटी सेक कर नथिया को दी और स्नान करने खुद खाकर कुएं पर कपड़े धोने चली गई। नथिया सोचने लगी, कैसे होंगे इस अभागी के पीले हाथ। दूसरे दिन सुबह पारो दराती लेकर गेहूं काटने खेत पर पहुंची और तुरंत ही वापस आ गई। आकर कहने लगी, अम्मा खेत तो कट गया। अम्मा ने कहा, इतनी जल्दी कैसे काटाई? तू तो कह रही थी अम्मा अभी दो दिन और लगेंगे। तो पारो कहने लगी, अम्मा मैंने नहीं काटा, मुझे तो कटा हुआ मिला। तो पारो ने कहा, गुस्से में ठाकुर ने किसी और से कटवा लिया होगा, अब पता नहीं कितनी मजदूरी देंगे। तो पारो कहने लगी, अम्मा मैंने 2 बीघा तो काटा है, 20 सेर से कम नहीं लूंगी। पता नहीं, नथिया कहने लगी, ठाकुर क्या देंगे, पर तेरी मंजूरी तो वे दे ही देंगे, अच्छे आदमी है। मैं तो 20 सेर से कम नहीं लूंगी, मैंने कम से कम 2 बाट का काट दिया था। पारो कहने लगी, तभी ठाकुर सिंह आ गए और बोले, अरे पारो, तूने तो कमाल ही कर दिया, मैं अभी खेत से ही आ रहा हूँ, तूने तो पूरा खेत काट दिया। हाँ बेटी, कल सुबह लाख इकट्ठा कर देना, जिसे बैलों से गहा कर तेरी मजदूरी दे दूंगा। तेरे 30 सेर गेहूं बनते हैं, पर मैं तुझे पूरे 1 मन यानी 40 सेर गेहूं दूंगा। तो पारो कहने लगी, बाबा मैंने तो 2 बीघा काटा था, 1 बीघा कौन काट गया? तो वह कहने लगा, मुझे क्या पता किसने काटा है, ठेका तो तेरे ही पास था, इसलिए किसी ने भी काटा हो, मजदूरी तो तेरी ही बनती है। पारो की खुशी का ठिकाना ना रहा, उसे तो सिर्फ 2 बीघा ही काटे थे, बाकी 1 बीघा गेहूं की कटाई की मजदूरी और उसे ठाकुर वैसे ही दे रहे थे, तो खुशी से उसकी बांछें खिल उठी। दूसरे दिन सुबह पारो लाख इकट्ठा करने खेत पर पहुंची तो चौंक गई, पूरे खेत का लाख इकट्ठा था, इसे कौन समेट गया? घर आकर पारो बोली, अम्मा लाख तो सिमट गया। इतनी जल्दी कैसे सिमट आई? उसकी दादी बोली, मुझे नहीं पता अम्मा किसने समेटा है, कौन समेट गया, मुझे तो खेत में लाख सिमटा हुआ मिला और मैंने तो उसे समेटा नहीं है, पता नहीं कौन समेट गया। दोनों दादी पोती यही सोचने में लगी थी कि आखिर लाख को कौन समेट कर इकट्ठा कर गए। उधर रामू के पिता की मृत्यु हुए 4 वर्ष बीत गए थे। उस समय रामू 8 वर्ष का था, वह स्कूल भी जाता था और खेलता कूदता भी था। पिता की मृत्यु के बाद माँ पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकी तो वह माँ के साथ खेतों में मजदूरी करने लगा। पेट की आग सब कुछ सिखा देती है, गरीबी व मजदूरी ने उसे तपाकर सोने की तरह निखार दिया था। आज वह 12 वर्ष का किशोर था, जी लगाकर किसानों के खेतों में मजदूरी करता और चुपके चुपके जो पारो की सहायता भी करता था। पारो को उसने इसकी भनक तय नहीं लगने दी थी। मासूम पारो को खेतों में काम करते देखकर रामू को उस पर बहुत दया आती थी, मगर रामू को भी कोई रईस बाप का बेटा नहीं था जो उसकी आर्थिक मदद कर सके। दिल में जितनी दया थी, जेब में उतने ही पैसे नहीं थे, इसलिए चुपके चुपके वह पारो की शारीरिक मदद ही कर पा रहा था और पारो उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था कि उसका काम कौन करके जाता है। एक दिन पारो ठाकुर के खेत में बाजरे की निराई करने गई। 10 बीघे
10 रुपए बीघे के हिसाब से 5 बीघा खेत की मजदूरी 50 रुपए थी। पारो जब खेत पर पहुंची तो उसने देखा रामू खेत की निराई कर रहा था। उसे खेत में निराई करते देखकर पारो बोली, अरे ओ रामू, तू क्या कर रहा है? इस खेत का ठेका तो मेरे पास है। तो रामू कहने लगा, कुछ नहीं, नई खुरपी लेकर आया था, सोचा चलाकर देख लूं कैसी चलती है। पारो कहने लगी, मगर तूने तो लगभग 1 बीघा खेत निकाल दिया। रामू ने कहा, कोई बात नहीं, निकाल दिया तो क्या हुआ, गला सूख गया, लाजरा पानी पिला दे। और रामू पारो का पूरा पानी पी गया। पारो बोली, तूने तो मेरा सारा पानी खाली कर दिया, शाम तक मैं क्या पीऊंगी? तो रामू ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुझे और पानी दे जाऊंगा। इतना कहकर रामू खुरपी लेकर वहां से चला गया। पारो अपने काम पर लग गई। भादों की दोपहरी थी, धूप चिलचिला रही थी। पारो धीरे धीरे अपने काम पर लगी रही। धूप की गर्मी से पूरा बदन पसीने में भीग गया। उसे प्यास लगने लगी, मगर उसका जो सारा पानी तो रामू पी गया था। वह रामू का इंतजार करने लगी, कब रामू पानी लेकर आएगा। प्यास के मारे पारो का बुरा हाल था, गला सूखने लगा था। वह खुरपी लेकर पेड़ की छाया में बैठ गई, इधर उधर निगाह घुमाकर पानी की तलाश करने लगी। तभी उसे दूर से रामू आता दिखाई दिया, जिसके हाथ में एक मटकी लटकी हुई थी। वह पेड़ के नीचे बैठी रामू का इंतजार करने लगी। रामू के एक हाथ में पानी की मटकी थी और दूसरे हाथ में खुरपी लग रही थी। पास आकर रामू ने मटकी जमीन पर रखी और कुर्ता की जेब से गुड़ का डली निकालकर पारो को थमा दी। ले पारो, सुबह से काम कर रही है, खाली पेट पानी पिएगी तो वह भी पेट में लगेगा, इसलिए गुड़ खाकर पानी पी ले। पारो ने बड़े चाव से गुड़ खाया और पानी पी लिया और खुरपी लेकर अपने काम पर जो बाजरे की निराई करने लग गई। तो रामू भी अपनी खुरपी लेकर उसी के साथ बाजरा निराने बैठ गया। यह देखकर पारो बोली, रामू तू यह क्या कर रहा है, तुझे दिखाई नहीं देता मैं बाजरा निरा रहा हूं? तो पारो ने कहा, तू कैसे निरा रहा है? वह कहने लगा, जैसे तू निरा रही है। तो पारो कहने लगी, इस खेत का ठेका तो मेरे पास है। तो रामू ने कहा, क्या हुआ, मैं नहीं निरा सकता? देख रामू, पारो ने कहा, मेरा ठेका 50 रुपए का है और मुझे 50 की जरूरत है, घर का सामान व अम्मा की दवा के लिए। तो क्या हुआ, मैं तुझसे रुपए थोड़ी मांग रहा हूं? रामू ने कहा, तो फिर तू क्यों धूप में मेहनत कर रहा है? मैं रुपए के लिए धूप में मेहनत नहीं कर रहा हूं। रामू ने कहा, मैं तो तेरी काम में मदद कर रहा हूं। पर तू मेरी मदद क्यों कर रहा है? पारो कहने लगी। तो रामू ने कहा, तू अभी बहुत छोटी है, खेतों में काम करती है तो तुझे देखकर मुझे दया आती है, इसलिए तेरी मदद कर रहा हूं। तो पारो कहने लगी, तुझे ही क्यों दया आती है, पूरे गांव में किसी और को तो दया नहीं आती। तब रामू कहने लगा, मैं तुझसे प्यार करता हूं, इसलिए तुझे काम करते देखकर मुझे दया आती है। पारो कहने लगी, ये प्यार क्या होता है? तो रामू कहने लगा, तू अभी बहुत छोटी है, बड़ी हो जाएगी तब सब समझ जाएगी। इस तरह बात करते करते और काम करते करते दोनों ने शाम तक लगभग आधे खेत की निराई कर दी। सूर्य देवता आकाश में अस्त हुए तो वे दोनों को अपने घर जो चल दिए। शाम को पारो घर पहुंची तो बहुत खुश थी। अम्मा से कहने लगी, अम्मा अम्मा, आज मैंने आधा खेत निरा दिया। इतनी जल्दी कैसे निकाल दिया? नथिया ने चारपाई पर पड़े पड़े कहा। तो पारो कहने लगी, अम्मा वो रामू है ना, उसने मेरी मदद की। रामू ने? अम्मा ने कहा, पर क्यों? वह कहने लगी, पारो माँ, रामू कह रहा था कि वह मुझसे प्यार करता है। अम्मा ये प्यार क्या होता है? पारो की बात सुनकर नथिया सोच में पड़ गई, कैसी मेरी फूल सी बच्ची एक भेड़िया से बचेगी? मेरे शरीर में दम होता तो मैं अभी उस रामू की खबर ले लेती, पर क्या करूं, मजबूर हूं।
चल फिर नहीं सकती। नथिया कुछ सोचकर बोली, कुछ नहीं बेटी, ये रईसों के खेल हैं, हम गरीबों के नहीं। नथिया ने गोलमाल जवाब दे दिया, मगर पारो कुछ समझ नहीं सकी। रोटियां निकाल कर पानी लेने कुएं पर चली गई और पानी की मटकी भरकर घर वापस आ गई। नथिया को दवाई खिलाकर पारो अपनी चारपाई पर लेट गई। दिन भर की थकान से उसे नींद भी जल्दी आ गई और दूसरे दिन पारो खुरपी लेकर खेत पर पहुंची तो रामू पहले से ही खेत में काम कर रहा था। पारो भी अपनी खुरपी लेकर बैठते हुए बोली, रामू तूने बताया नहीं ये प्यार क्या होता है। तो रामू भी प्यार की परिभाषा नहीं जानता था, कुछ शर्माते हुए बोला, प्यार करने के बाद शादी हो जाती है। तो राम जो पारो कहने लगी, हट पगले, शादी तो गुड्डा गुड़िये की होती है, मैंने भी कई गुड़ियों की शादी गुड्डे से की है, पर अब खेत में काम करने से गुड़ियों की शादी करने का समय नहीं मिलता। तो रामू कहने लगा, पारो तू जैसे गुड्डे गुड़िया की शादी करती है उसी तरह लड़के और लड़कियों की शादी होती है, देखना एक दिन मैं तुझसे शादी कर लूंगा, फिर तुझे रानी बनाकर घर में रख लूंगा, तुझे खेतों में काम नहीं करने दूंगा। तो पारो कहने लगी, मैं खेतों में काम नहीं करूंगी तो खाऊंगी क्या, अम्मा क्या खाएगी। तो रामू कहने लगा, तेरे बदले का काम मैं करूंगा, उसी से तू खाएगी, और तेरी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। पारो कहने लगी, इसी तरह बातों बातों में उन्होंने पूरे खेत का काम समाप्त कर दिया और दोनों घर को चल दिए। तो पारो ने कहा, कल ठाकुर से रुपए ले लूंगी, तू अपने आधे रुपए ले लेना। तो रामू ने कहा, मैं नहीं लूंगा। तो पारो कहने लगी, क्यों, फिर तू खाएगा क्या। तो रामू ने कहा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ इसलिए काम में तेरी मदद कर रहा हूँ, मैं तुझसे इस काम के बदले पैसे नहीं लूंगा। मगर तू पैसे नहीं लेगा तो खाएगा क्या। पारो ने अपनी बात जो उसे दोबारा दोहराई। तो रामू कहने लगा, खाने के लिए तो मैं और भी काम करता हूँ, तुझसे अधिक कमाता हूँ, तुझसे अधिक काम करता हूँ, मेरे पास खाने के लिए कोई कमी नहीं है। तो पारो कहने लगी, ठीक है जैसी तेरी इच्छा। रामू भी बच्चा ही था, उसके दिल में प्यार का बीज अंकुरित हो चुका था, मगर नादान पारो उस भाषा को समझने में अभी असमर्थ थी। नथिया चारपाई पर पड़ी पड़ी हांफ रही थी, बीच बीच में खांसी भी आ जाती। पारो ने गर्दन के नीचे हाथ लगाकर अपनी दादी नथिया को सहारा देकर चारपाई पर बैठाया और दवा खिलाकर दो घूंट गर्म पानी पिलाकर पारो ने कहा, अम्मा तूने कल से कुछ खाया नहीं है, दो टुकड़ा रोटी के खा ले। नथिया हाँफते हुए बोली, बेटी थोड़ा सा सांस सद जाने दे, तब कुछ खा लूंगी, अभी मेरी इच्छा नहीं है। इसी के साथ नथिया को एक खांसी आई और ढेर सारा मलगम निकल पड़ा। पारो ने पानी से मुंह साफ करके नथिया को फिर से चारपाई पर लिटा दिया। नथिया का स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता जा रहा था। यही सोचकर ठाकुर साहब ने गांव के दूसरे लोगों की सहायता से पारो का विवाह माधव से तय कर दिया था। माधव का गांव चार कोस दूर था। ठाकुर साहब ने नाई और पंडित को भेजकर पारो का रिश्ता पक्का करा दिया। माधव के परिवार में उसकी विधवा माँ धनिया थी। माधव के पिता को मरे लगभग 10 बरस बीत चुके थे। उस समय माधव 4 बरस का था। धनिया ने खेतों में मजदूरी करके अपने बुढ़ापे के सहारे माधव का पालन पोषण किया। माधव 7 भाई बहन माधव के बीमारियों की भेंट चट गए थे। माधव ही अब अपनी माँ का एकमात्र जीवित संतान थी और जीने का सहारा था। माधव ही उसके बुढ़ापे का सहारा बचा था, वही घर का कुल का चिराग था। अब माधव 14 बरस का किशोर था, खेतों में मजदूरी करता था। उसने जो धनिया को खेतों में काम करना बंद कर दिया था। बुढ़ापे के कारण धनिया का शरीर भी थोड़ा बीमार रहने लगी थी तो शरीर साथ नहीं देता था।
माधव के विवाह से उसने सपने बुनने शुरू कर दिए थे। घर में बहू आ जाएगी तो मेरा चूल्हा चौका भी छूट जाएगा। खेतों का काम तो माधव ने पहले ही छुड़वा दिया। नाती पोतों की रूप रेखा उसके हृदय में उड़ान भरने लगी थी। शरीर रोमांचित हो गया था। वह आकाश में उड़ने लगी भविष्य के सुनहरे सपनों के साथ। मैं अपने नाती पोतों को देख रेख में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। मेरे माधव के बच्चे मेरी देख रेख में पलेंगे बढ़ेंगे। मेरे पास घर में या खेत में कोई काम तो होगा नहीं। मैं तो सिर्फ अपने माधव के बच्चों की देखभाल करूंगी। बस यही काम तो बचेगा मेरे लिए। बहू को भी बेटी की तरह रखूंगी ताकि घर की सुख शांति बनी रहे। मेरा बुढ़ापा चैन से कट जाएगा। धनिया अपने मन में प्रतिदिन नए नए सपने बुनती रहती। समय धीरे धीरे बीत रहा था और माधव के विवाह का दिन भी आ गया। समय पर माधव की बारात पारो के दरवाजे पर गई। नगाड़ों की आवाज जो वातावरण में गूंजने लगी। सहनाई का मधुर संगीत कानों में शहद घोलने लगा। ठाकुर साहब ने अपनी हैसियत के अनुसार बारात का स्वागत सत्कार किया। रामू भी अपना बाल मन महसूस कर ठाकुर साहब का सहयोग पारो के विवाह में कर रहा था। औरतों ने मंगल चार होने लगे। औरतें जो गीत गाने लगी। पारो की सखियां खुशी से नाचने लगी। बारात भोजन करने लगी। चारों तरफ खुशी का माहौल था। अनाथ पारो का विवाह जो ठहरा। समाज का हर सदस्य इस विवाह में बढ़ चढ़ कर अपनी हिस्सेदारी दे रहा था कि कहीं गांव की बात खराब ना हो जाए। रामू भी बुझे मन से अपना सब कुछ लुटा रहा था। रात में एक एक कर पारो के विवाह की रस्में पूरी हो रही थी। रामू अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपना संसार उजड़ता देख रहा था। उसकी आंखों के सामने उसका घोंसला उधेड़ा जा रहा था। उसकी आंखों के सामने उसके सपने चकनाचूर हो रहे थे। उसकी आंखों के सामने ही उसकी दुनिया लुट रही थी। उसकी आंखों के सामने ही पारो पराई हो रही थी। हवन कुंड के इर्द गिर्द भावरे पड़ने लगी। मंत्र उच्चारण का एक एक शब्द रामू के हृदय पर हथौड़े की तरह चोट मार रहा था। जिस मासूम पारो को वह दया की दृष्टि से देखता था, उसके लिए दिन रात मेहनत करता था, उसका काम छुप छुप कर करता था, उसके साथ भविष्य के सपने वह देखता था, जिसके लिए उसके बाल हृदय में प्यार के बीज पनपने लगे थे। रामू का हृदय रह रहकर बहुत ही जो रुदन कर रहा था, मगर वह अपनी व्यथा किसी से कह नहीं सकता था। बाल मन था, बालक था, अपना मन महसूस कर रह गया। पारो भी नादान थी। उसने अनेक गुड्डे गुड़ियों की शादी अपने गुड्डे से की थी। आज वही गुड़िया दुल्हन बनकर विवाह के मंडप में बैठी विवाह की रस्में पूरी कर रही थी। पारो अपने विवाह को भी गुड्डा गुड़ियों का विवाह ही समझ रही थी। विवाह के बाद गुड़िया विदा होकर गुड्डा के साथ चली जाती है, वह सिर्फ इतना ही जानती थी। उसे नहीं मालूम था कि विवाह दो आत्माओं का जन्म जन्मांतर का बंधन है। वह माधव को गुड्डा समझ रही थी और रामू और माधव में अंतर को वह कभी समझ नहीं पाई। सुबह पारो बैलगाड़ी में बैठकर गुड़िया की तरह माधव के साथ विदा होकर चली गई। रामू के अरमान नगाड़ों के आवाज में कहीं खो गए। रामू की हालत उस ज्वारी की तरह हो गई जो अपना मूलधन भी गंवा बैठा हो। टूटे हुए सपनों को खोकर दुख के आंसू रामू की आंखों से बह निकले। रामू की आंखों से आंसू पलकों की हदें तोड़कर गंगा यमुना की तरह बह रहे थे। वह अपने टूटे हुए दिल के साथ एक कोने में जाकर बैठ गया। गर्मी का समय था। आसमान में सूर्य तप रहा था। माधव पारो को लेकर और बारात के साथ अभी कुछ दूर ही निकला था कि माधव के पेट में जलन शुरू हो गई। कुछ समय बाद माधव को उल्टियां भी होने लगी। बाद में दस्त भी शुरू हो गए। उल्टी दस्त अधिक होने से माधव का शरीर कुमलाने लगा। मुंह सूख गया।
शरीर में बेचैनी होने लगी, खाल सिकुड़ने लगी, पानी पीते ही उल्टियां हो जाती, पेट दर्द के साथ माधव छटपटाने लगा तो बरातियों ने उसे अजवाइन हरण का चूर्ण बनाकर खिलाया, मगर किसी से कुछ लाभ नहीं हुआ, उल्टी और दस्त लगातार होते रहे। बीच रास्ते में और कोई व्यवस्था नहीं थी, माधव की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी, पानी पीते ही उल्टियां हो जाती। माधव की हालत अधिक बिगड़ने लगी तो बारातियों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए रास्ते में किसी गांव में वैद्य जी को दिखाया। वैद्य जी ने देखते ही जवाब दे दिया, इसको तो हैजा हो गया है, अब इसका भगवान ही मालिक है, हालत अधिक गंभीर है, फिर भी मैं कुछ पुड़िया दे देता हूँ, आगे प्रभु की इच्छा। वैद्य जी की दवा खाकर भी माधव की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, उसकी हालत और बिगड़ती चली गई, शरीर सुन्न पड़ गया, आंखें पथरा गई, हाथ पैरों ने हिलना डुलना बंद कर दिया। दो घड़ी पश्चात ही रास्ते में ही माधव की मौत हो गई। माधव की मृत्यु से बरातियों में हाहाकार मच गया। पारो ने तो बस इतना ही समझा था कि उसका गुड्डा मर गया। बराती माधव का शव लेकर विधवा पारो के साथ गांव पहुंच गए। माधव की लाश देखकर धनिया मूर्छित होकर गिर पड़ी। एक ही तो बुढ़ापे का सहारा था, वही तो घर का चिराग था और वही बुझ गया। जीवन की अंधेरी रात भाए भाए करने लगी, औरतें पारो के नसीब को कोसने लगी, कैसी बहू निकली जो घर तक भी जिंदा ना आ सका, पैदा होते ही माँ को खा गई, वहां भी सब चौपट कराई और अब यहाँ घर की देहली पर पैर भी नहीं रखा कि उससे पहले ही खसम को खा गई। ऐसी मनहूस से क्यों अपने बेटे का विवाह किया? औरतों में तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई। तभी एक समझदार औरत बोली, इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है, यह तो अभी छोटी सी बालक है, इसे क्या मालूम कि इसका मर्द मर गया है, यह तो विवाह को गुड्डे गुड़िया का ही खेल समझ रही है, इस बेचारी को क्यों कोसते हो, यह बालपन की विधवा अपनी कैसे पहाड़ जैसी जिंदगी को काटेगी, कभी इसके बारे में भी तो सोचो, अभागी जन्म से ही दुख भोग रही है, भगवान ने पता नहीं इसके भाग्य में क्या लिखा है। धनिया को होश आया तो माधव की लाश के ऊपर गिरकर फिर रोने लगी, अपने उजड़े हुए संसार को देखने लगी, विश्वास का भरोसा उसका टूट गया, नाती पोतों की आस छूट गई, बुढ़ापे की लाठी में घुन खाकर बिखर गई, बची हुई जिंदगी अमावस की काली रात की तरह डराने लगी। मनहूस पारो के कदम घर की चौखट पर पड़ने से पहले ही धनिया का संसार लुट गया, बाकी बचा बुढ़ापे की ठोकर खाने का अर्थहीन जीवन। आम समाज के लोगों ने मिलकर माधव का अंतिम संस्कार कर दिया। रीति रिवाज के अनुसार विधवा पारो के बाल जो मुड़वा दिए गए। पारो बालों के लिए बहुत रोई, मगर उसकी एक नहीं चली, उसे सफेद साड़ी भी पहना दी। पारो ने सफेद साड़ी का विरोध भी किया, लेकिन उसकी बेचारी की कौन सुनने वाला था। मन को उसने अब अपने समझा लिया कि उसका गुड्डा मर गया है तो मैं नया गुड्डा बनाकर फिर से शादी कर लूंगी, तब लाल साड़ी पहनूंगी, मेरी गुड़िया भी शादी पर लाल साड़ी पहनती थी, पर वो नहीं समझती थी कि सुहागिन क्या होती है और विधवा क्या होती है। कुछ दिनों तक तो पारो जो कलेऊ में भी उसे ताने और भोजन में भी गाली खा खा कर उसके दिन कट रहे थे, मगर जल्दी ही धनिया ने उसके हाथ में खुरपी पकड़ा दी और कहने लगी, मनहूस कुलक्षणी कहीं की घर में पड़ी पड़ी खाती रहेगी या कुछ काम भी करेगी, मैं तेरे लिए कब तक काम करती रहूंगी, चल खेत में मजदूरी कर। पारो खेतों में मजदूरी करने लगी जैसे अपने गांव में करती थी। गांव में रामू उसकी मदद करता रहता था, यहाँ कोई मदद करने वाला नहीं था। गांव में अम्मा कभी डांटती भी नहीं थी, यहाँ डांट के साथ साथ पिटाई भी होने लगी थी। जरा सी गलती पर धनिया उस पर हाथ उठा देती, गाली तो उसकी जवान से अमृत की तरह टपकती थी। भोजन के साथ गाली और मार खाना पारो की नियति बन गई थी।
जैसे सुबह से शाम तक काम के बदले उसे इनाम के रूप में गालियां मिलती थी। एक दिन दोपहर तक काम करने के बाद धनिया ने उसे घर भेज दिया, जा तू घर जाकर रोटी बना लेना। पारो ने सोचा, आज अच्छा समय है, मैं अपने लिए गुड्डा बना लूं, गुड्डा से शादी करके लाल साड़ी पहन लूंगी, फिर माँ जी भी मुझे अम्मा की तरह प्यार करेंगी। पारो सुई धागा और कुछ फटे हुए चिथड़ोए लेकर गुड्डा बनाने बैठ गई। गुड्डा अभी आधा ही बन पाया था कि धनिया आ गई। धनिया ने कहा, यह क्या कर रही है हरामखोर, रोटी बनी कि नहीं? पारो कहने लगी, नहीं माँ जी। तो धनिया कहने लगी, हरामजादी इतनी देर से आई है तो क्या कर रही थी, अब तक जो रोटी नहीं बनी? तो पारो कहने लगी, कुछ नहीं माँ जी, मैं गुड्डा बना रही थी। धनिया ने कहा, गुड्डा से खेलेगी रांड लुगाई होकर, ले अभी तेरा गुड्डा बनवाती हूँ। और इतना कहकर धनिया ने हाथ में चिमटा ले लिया। पारो चिल्लाती रही, माँ जी मैं खेलने के लिए गुड्डा नहीं बना रही हूँ, मैं तो शादी करने के लिए गुड्डा बना रही हूँ, इससे शादी करके मैं लाल साड़ी पहन लूंगी और आप भी मुझे अम्मा की तरह प्यार करेंगी। मगर धनिया ने उसकी एक ना सुनी और दे दनादन चिमटा उसकी पीठ पर बरसाती रही। पारो की पीठ पर चोटों के निशान उभर आए। चोटों के निशान देखकर उसकी जुबान की चीख के साथ आंखों से भी आंसू बरसने शुरू हो गए। पारो गुड्डा अधूरा छोड़कर चूल्हे में आग जलाने लगी। उसे नहीं मालूम था कि गुड्डा बनाने की इतनी बड़ी सजा आज उसे मिलेगी। तुराल आए पारो को 6 बरस बीत गए थे। 6 बरस में वह मार खाते सुबह शाम भोजन के साथ गाली ताने खाने व दिन भर खेत में मजूरी करना उसके नसीब में लिखा था। वह अब नादान नहीं थी, वह अब 14 बरस की किशोरी थी। अब वह भी प्यार की भाषा समझने लगी थी, मगर वह विधवा थी यह भी समझती थी। अब उसे सुहागिन और विधवा में अंतर समझ आने लगा था। अब उसे सफेद साड़ी से भी कोई गुरेज नहीं था। गुड्डे गुड़िया का खेल पीछे छूट चुका था। पारो ने माधव का प्यार तो कभी नहीं देखा था, मगर उसे रामू का प्यार अच्छी तरह याद था। अब उसे रामू की याद सताने लगी, रामू उसे प्यार जो करता था। उस समय वह प्यार की भाषा नहीं समझती थी, आज वह प्यार की भाषा भी समझने लगी और उसकी परिभाषा। वह रामू को देखने के लिए तड़पने लगी, वह उड़कर रामू के पास पहुंचना चाहती थी। पारो ससुराल चली गई तो पारो की दादी अम्मा नथिया की रामू सेवा करता था। रामू पारो के प्यार का ही सुख उसे उसकी दादी की सेवा करने से मिलता था। वह समझता था, मैं नादान पारो की सहायता ही कर रहा हूं। मगर नथिया को भी मरे हुए 2 बरस व्यतीत हो गए। रामू पारो को नहीं भूल सका, पारो मासूम थी, वह पारो की सहायता करते करते उसे प्यार करने लगा था। उसका प्यार परवान चढ़ता तब तक ठाकुर साहब ने समाज के सहयोग से अनाथ पारो का विवाह कर दिया। रामू अपने बाल मन को महसूस कर पारो के विवाह में सहयोग भी करता रहा, मगर वह अपने मन की व्यथा किसी से ना कह सका। उसके देखते ही देखते पारो पराई होकर चली गई। रामू का हृदय टूट गया और सब अरमान चकनाचूर हो गए। उसने पारो की मूरत अपने दिल में बसा रखी थी और उसी से बातें करता रहता था। वह जानता था कि पारो अब नहीं आएगी और वह ठाकुर साहब के खेतों में मजदूरी करता और पारो को याद करता रहता। उसकी याद में उसकी आंखों से आंसू भी निकल आते थे। गर्मी का समय था, सूरज शोले बरसा रहा था, शरीर झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही थी। पारो गेहूं की कटाई कर रही थी। दोपहर से गेहूं काटते काटते पारो रात करीब 10 बजे घर पहुंची। मटके से पानी लेकर हाथ मुंह धोए सूखी रोटी पानी से निगलकर चारपाई पर लेट गई। मजदूरी की थकान से उसका शरीर थक चुका था, मगर आंखों में रामू के सपने तैर रहे थे। दिल में रामू की यादें टीस बनकर चुभ रही थी। तभी धनिया बोली, पूरा खेत कट गया क्या कि कल के लिए छोड़ आई है, हराम खोर कहीं की? गाली देकर धनिया ने बोला था। तो पारो कहने लगी,
कल के लिए रह गया माजी। तो धनिया कहने लगी, हरामखोर कुछ काटती भी है या यारों के साथ नैन मटक्का करती रहती है। पारो कहने लगी, पूरा दिन तो काटती हूँ माजी। तो धनिया कहने लगी, रांड लुगाई अन्ना भैंसा जैसी होती है, तेरा क्या भरोसा काम करती है या यारों के साथ गुलछर्रे उड़ाती रहती है। काट दी होती तो क्यों रह जाता। पारो कहने लगी, माजी 3 बीघा खेत 2 दिन में कैसे कट जाता, कल तक काट दूंगी। पारो की आंखों से आंसू बह निकले, इतना काम करने पर भी उसे ताने मिलते। यहाँ रामू होता तो खेत कट गया होता, रामू ने उसकी कितनी बार मदद की थी। यहाँ मैं अकेली क्या करूं, सुबह शाम घर के काम करना व दिन रात में खेतों में मजदूरी। उसे रह रहकर रामू की याद आने लगी। रामू कहता था, मैं तुझे रानी बनाकर रखूंगा, यहाँ तो मैं दासी भी स्वीकार नहीं हूँ। दासियों जैसा काम करती हूँ फिर भी गाली और पिटाई मिलती है। इसलिए उसे रामू की और ज्यादा याद आने लगती। रामू कहता था, तुझे खेतों में काम करने नहीं जाने दूंगा, यहाँ दिन रात मजदूरी करती हूँ। यह सोच सोच कर उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शरीर थकान से चूर चूर था और दिल में रामू की यादें उसे कुरेद रही थी। आंखों में रामू की तस्वीर बसी थी। चारपाई पर पड़ी पड़ी रामू के सपनों में वह खो गई। नींद ने उसे अपने आगोश में कब समेट लिया उसे पता ही नहीं चला। वह 3 बजे धनिया ने आवाज दी, ओ कुलक्ष्मी रान, खड़ी हो जा, गेहूं काटने जाएगी या यहीं पड़ी पड़ी चारपाई पर तोड़ती रहेगी। पारो का शरीर थकान से टूट रहा था, आंखों की नींद पूरी नहीं हुई थी। धनिया की आवाज सुनकर एकाएक हड़बड़ाकर खड़ी हुई और बोली, जाती हूँ माँ जी। पारो ने कोने में पड़ी हुई गेहूं काटने की दराती उठाई और धनिया के पैर छूने के लिए झुकी। तो धनिया बोली, आज पूरा खेत कट जाना चाहिए, नहीं तो चिमटे से तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। पारो कहने लगी, हाँ माँ जी आज कट जाएगा। धनिया कहने लगी, कटेगा कैसे, नहीं नहीं काटे तो आज डंडे से तेरी खबर लूंगी। पारो धनिया के पैर पकड़कर सोचने लगी, इतना काम करने का यह इनाम मिल रहा है, क्यों ना कहीं आत्महत्या कर ली जाए, इस नरक भरी जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। मैं आज ही कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगी, मेरे जिंदा रहने का वैसे भी कोई मतलब नहीं है। अब तक तो गाली ताने और पिटाई से काम चल रहा था, वह सब मेरे लिए आम बात हो गई थी। अब तो मेरे चरित्र पर लाछन भी लगने लगे हैं कि मैं खेत में काम नहीं यारों के साथ गुलछर्रे उड़ाती हूँ। आज माँ जी ने इस बात को कह रही है, कल समाज भी कहेगा। मैं विधवा हूँ, किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी, कौन है मेरा इस दुनिया में। अब भगवान का ही सहारा है और भगवान के पास पहुँचने के लिए इस दुनिया को छोड़ना ही मुझे पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो मेरा चरित्र जो गंदा हो जाएगा। वह अपने आप मनी मन बातें कर रही थी। पारो ने धनिया के पैर छोड़ते हुए कहा, जाती हूँ माँ जी, शायद फिर कभी। पारो कुछ कहना चाहती मगर उसके शब्द बीच में ही रुक गए। हाथ में गेहूं काटने की दराती लेकर घर से बाहर निकल गई। उसके कदम धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ने लगे। धनिया ने उसे जितने कष्ट दिए थे एक एक कर उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। आज वह सोच रही थी कि माधव के साथ ही उसकी भी जिंदगी का अंत हो गया होता तो कितना अच्छा होता। माधव एक गुड्डा ही नहीं उसकी जिंदगी का स्वामी था। अब कौन है दुनिया में मेरा, माधव तो अब कभी वापस आएगा नहीं। यह सोचते सोचते वह धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ती जा रही थी। आज उसके सिर पर मौत सवार थी। तभी उसे अपनी अम्मा की याद आने लगी। काम तो वहां भी करती थी मगर अम्मा कितना प्यार करती थी। काम से थकी होने के बाद अम्मा का प्यार उस थकान को मिनटों में दूर कर देता था। आज उसे रामू की भी बहुत याद आ रही थी कि रामू उसकी कैसे मदद किया करता था। और रामू की याद उसके दिल में फिर से ताजा हो गई। कितना प्यार करता था रामू उससे, जीवन की परेशानियों में उसने कितना साथ दिया। रामू से मिलने के लिए उसका दिल तड़पने लगा।
रामू की सूरत दिल से निकालकर आंखों के सामने नाचने लगी। रामू की सूरत सम्मोहन से वह धीरे धीरे रामू की सूरत के पीछे ही चलने लगी। कुएं का रास्ता भूल गई, उसके पैर रामू की सूरत के पीछे पीछे चल दिए। वह अपना आपा खो बैठी, उसे पता ही नहीं कि वह किधर जा रही है। रामू से मिलने की तड़प उसके दिल में हो रही थी, वह उड़कर रामू के पास पहुंचना चाहती थी। एकाएक उसकी चेतना वापस आई, उसकी अंतरात्मा ने आवाज दी, पारो तू यह क्या कर रही है, तू विधवा है, क्या यह समाज तुझे स्वीकार करेगा, क्या रामू तुझे अपना लेगा। समाज में बाल विवाह की प्रथा है, विधवा विवाह की नहीं, समाज में विधवा स्वीकार नहीं है। उसके पैर रुक गए, पीछे पलटकर फिर से कुएं की तरफ देखने लगी। पारो अपनी जिंदगी का अंत करने के लिए कुएं की तरफ चलने लगी। उसे अपनी दर्द भरी जिंदगी दिखाई देने लगी। सुबह शाम घर के काम के साथ साथ गाली खाना, दिन भर खेतों में मजदूरी, न रात में चैन न दिन में चैन, कोई प्यार करने वाला नहीं, मिलती है तो सिर्फ गाली, मजदूरी और संघर्ष भरी जिंदगी। वह कुएं के पास पहुंची, तभी मन ने हिम्मत बांधी कि रामू तेरा है, वह तुझे अवश्य अपना लेगा, तेरे लिए समाज से लड़ जाएगा, तुझे रानी बना लेगा। वह हर समय तेरी मदद करता था, वह तुझे प्यार करता था, यहाँ कौन है तेरा, किसके लिए तो अपने हाड़ घिस रही है। मन और आत्मा के बीच द्वंद चल रहा था। रामू की चाह मन का साथ दे रही थी, तुझे रामू अवश्य अपना लेगा, तो मन में ऐसा विश्वास पैदा हो गया और वह फिर एक बार रामू से मिलने की तरफ चल पड़ी। मन का पलड़ा भारी होता गया, उसके पैरों की तेज गति होती गई और तेज होती गई गति तेज बढ़ती गई। सुबह तक वह अपने गांव के करीब पहुंच गई। पारो ने दूर से ही ठाकुर साहब के खेतों की तरफ देखा, जिन खेतों में वह बचपन में कभी काम करती थी। वह गेहूं खेतों की फसल पकी हुई थी। धीरे धीरे उसके पैर उन्हीं खेतों की तरफ मुड़ गए। उसने देखा रामू उसी खेत में गेहूं काट रहा था। पारो खेत के दूसरे सिरे पर पहुंच गई। पारो के हाथ में भी गेहूं काटने की दराती थी। दूसरे छोर से वह भी उसी खेत में गेहूं काटने बैठ गई। रामू को इसकी भनक तक नहीं लगी। काटते काटते दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। पारो को एकाएक सामने देखकर रामू चौंक गया। अरे पारो तू? हाँ मैं, पारो कहने लगी। तू तो अपनी ससुराल में थी? तो पारो कहने लगी, आ गई मैं। तो रामू कहने लगा, क्यों तेरी मदद करने? पारो ने कहा, मेरी मदद तू क्यों करेगी, जैसे तू मेरी करता था। पारो ने कहा, तो क्या तू बदला चुकाने आई है? मैं तो तुझसे प्यार करता था, इसलिए तेरी मदद करता हूं, रामू ने कहा। तो पारो ने कहा, हाँ तू मुझसे प्यार करता था, इसलिए मैं तेरे पास आई हूं। उस समय मैं तेरे प्यार को नहीं समझ सकी। तू कहता था कि बड़ी हो जाएगी तो प्यार को समझ जाएगी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ और तेरे प्यार को समझ गई हूँ। आज मैं भी तुझसे प्यार करती, इसलिए मैं अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर हमेशा के लिए तेरे पास आ गई। क्या तू मुझे अपना लेगा रामू? तू तो कहता था कि मैं तुझे रानी बना लूंगा। तो वह कहने लगा रामू, हाँ पारो, मैं हमेशा तेरा इंतजार करता रहा, मगर तू इतने दिनों बाद लौट कर आई है, मैं तुझे अवश्य रानी बना लूंगा। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपनी बाहें पारो के लिए फैला दी। पारो भी रामू की बाहों में समा कर रोने लगी। रामू ने उसने अपने आगोश में समेट लिया। पारो रामू की बाहों में समाती चली गई। दोनों को महसूस हुआ जैसे कि वे जन्म जन्म के साथी हैं, और दोनों ने जो मिलकर आगे जिंदगी जीने के लिए कुछ जो वादे की। तब रामू ने उससे कहा कि हाँ मैं तुझे अपना लूंगा। रामू अपने घर गया और अपनी माँ को सारी बात बताई, लेकिन उसकी माँ यह बात मानने को स्वीकार नहीं थी कि एक विधवा को वह अपने घर की बहू बनाए। तब रामू ने अपना फैसला अपनी माँ को सुना दिया कि वह पारो से ही विवाह करेगा। उसके बाद उसकी माँ ने, ठाकुर साहब ने भी आकर उसकी माँ को समझाया कि पुराने रूढ़िवादी विचारों को छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए, अपने बच्चों की खुशी में हमें अपनी खुशी देखनी चाहिए।
बिचारी पारो अनाथ है, संस्कारी है, मेहनती है। और जब उसकी माँ को यह समझ आया तो उसने पारो और रामू का विवाह करा दिया। दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।